इंडिया वर्ल्ड कप पाने को है बेकरार, मगर अब तक रिकॉर्ड है बेकार। 2019 सेमीफाइनल में कीवियों ने हराया, सुपर फॉर्म में चल रही टीम इंडिया अब की बार सूद समेत लेगी बदला। 15 नवंबर को होगी वानखेड़े में जोरदार टक्कर, मगर वानखेड़े में भी भारत का रिकॉर्ड है खराब। इस बार टीम इंडिया रिकॉर्ड से आगे जाकर लाएगी वर्ल्ड कप, सबसे पहले न्यूजीलैंड को देकर पटखनी, सपना करेगी साकार। 9 जीत के साथ भारत सेमीफाइनल खेलने को तैयार है, सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम। इसे संयोग ही कहेंगे शायद कि इस बार फिर न्यूजीलैंड सामने है। 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ही हुआ था, जिस मुकाबले में भारत को हार मिली थी। तब कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को महज 240 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया यहां 221 रन पर ही ढेर हो गई थी। मगर अब समय बदल गया है, इस बार भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। फिर ये वही कीवी टीम है जिससे 2003 के बाद से भारत को वर्ल्ड कप में जीत नहीं मिली थी। ये रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया। इस वर्ल्ड कप दो दशक के बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात दे दी है। इस बार भारतीय टीम रिकॉर्ड के आगे खेल रही है, इसलिए नए इतिहास लिख रही है। अब तक इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम दो बार सेमीफाइनल में भिड़ चुकी है, जिसमें से एक बार इंडियन टीम जबकि एक बार न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है। अब तक इंडिया 13 वर्ल्ड कप में 8वीं बार सेमीफाइनल खेलने वाली है। पिछले 7 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया महज 3 मुकाबले जीत पाई है और 4 मैचों में उसे हार कर बाहर होना पड़ा है। जिस 3 बार फाइनल में से 2 बार भारत ने खिताब जीता है। पिछली बार भारत को 2011 में वनडे वर्ल्ड कप खिताब मिला था, तब जिस मैदान में मुकाबला हुआ था, इस बार सेमीफाइनल भी वहीं खेला जा रहा है, यानी वानखेड़े में, वानखेड़े यानी मुंबई। मगर भारत का रिकॉर्ड वानखेड़े में भी अच्छा नहीं है। भारत ने अब तक वानखेड़े स्टेडियम में किसी भी फॉर्मेट में खेले गए सेमीफाइनल मैच को नहीं जीता है। हालांकि इस बार भारतीय टीम शानदार खेल रही है, गेंदबाजी दमदार रही है। बुमराह, सिराज, समी, कुलदीप और जडेजा पांचों फॉर्म में है और वक्त पड़ने पर अपने टीम के लिए विकेट भी निकाल रहे हैं। इनकी गेंदों को खेलना विपक्षी टीमों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। वहीं बल्लेबाजों में विराट कोहली ने अब तक 594 रन बनाकर वर्ल्ड कप 2023 में टॉप पोजीशन लिया है। रोहित भी 500 से अधिक रन बना चुके हैं। सुमन गिल भी बढ़िया खेल रहे हैं। केएल राहुल और सीएस ने भी प्रेरित किया है। मौका मिलने पर सूर्य कुमार यादव भी अच्छा खेले हैं। कुल मिलाकर ये टीम बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग सब में अव्वल नजर आ रही है। अब देखना है भारतीय टीम रिकॉर्ड से आगे निकलकर न्यूजीलैंड को पटखनी देती है, मुकाबला टक्कर का होता है या एक तरफा। इंडिया जीतेगा ब्रदर, क्यों पूछ क्यों? इंडिया जीतेगा ब्रदर, क्यों पूछ क्यों रहे हो? अपना ही है। जय श्री कृष्ण। रोहित इज बैक इन हिज फॉर्म। रोहित हैज प्लेड द बेस्ट नॉक एवर। नहीं नहीं, या इस वर्ल्ड कप का क्या लगता है? वर्ल्ड कप इंडिया है, इंडिया का है, इंडिया ही रहेगा, इंडिया का ही रहेगा। यस, इंडिया। अब इंडिया